एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। यह बैठक दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में होगी। सुबह 11 बजे का वक्त इस बैठक का तय हुआ है, जब एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर रोडमैप पर चर्चा होगी। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सालवे, संजय कोठारी शामिल हैं, जबकि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आर्थिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, देखिए आज ये जो बैठक होगी ये पहली होगी और इसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाना है, चुनाव को लेकर इस पूरी योजना को, इस पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पहली बैठक हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसके बाद जो है गृहमंत्री ने भी मुलाकात की थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की थी, अलग अलग लोगों ने मुलाकात की थी रामनाथ कोविंद से। आज आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर इस समिति की पहली बैठक हो रही है, जिसमें विचार किया जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरीके से कराए जा सकते हैं, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और ये बैठक 11 बजे दिल्ली में ही होना है, जोधपुर हाउस में। और इस बैठक में लॉ मिनिस्टर भी होंगे, कानून मंत्री भी अर्जुन मेघवाल भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे और जो समिति के बाकी सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद ब्रह्म प्रकाश क्या कुछ निकल कर आएगा, किस तरीके की चर्चा इसमें हो सकती है और किस तरीके से आगे की तैयारी की जाएगी, क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए अभी ये पहली बैठक है और शुरुआती बैठक में ज्यादा कुछ निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी चर्चा शुरू होगी कि आखिर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। तो जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा की शुरुआत होगी और एक रोडमैप तैयार किया जाएगा कि किस रोडमैप के सहारे आगे बढ़े कमेटी। तो अभी पहली बैठक में एजेंडा तय होगा, रोडमैप तय होगा और उसके बाद जो आगे बैठकें होंगी उस लिहाज से एजेंडा आगे बढ़ेगा। शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बैठक से जुड़ी अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे।